ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, अवनी लेखरा बनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। मंत्री ममता भूपेश ने सराहनीय पहल की है। ममता भूपेश ने राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर बनाने के आदेश निकाले हैं। ममता भूपेश ने कहा, देश राज्य की बेटियों के लिए एक मिसाल है अवनी, और एक ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया। अवनी लेखरा बनी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। मंत्री ममता भूपेश ने सराहनीय पहल की। ममता भूपेश ने राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर बनाने के आदेश निकाले। और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम फैसला है जहां अपनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बेहद सराहनीय कदम कहा जा सकता है, क्योंकि अवनी लेखरा जो है पूरे देश और दुनिया में एक मिसाल बनी है। देश में एक ऐसी मिसाल बनी है, खासतौर पर राजस्थान की बेटियां जो है वो सीख ले सकेंगी कि किस तरीके से संघर्ष से हार ना मानकर चुनौतियों का मुकाबला करके किस तरीके से जीता जा सकता है। मंत्री ममता भूपेश से अभी बातचीत जब हमने की तो उन्होंने कहा कि इससे राजस्थान की बेटियां प्रेरित होंगी, और उन्होंने उनके परिवार से भी बात की है, बधाई दी है, अवनी लेखरा को बधाई दी है, और ममता भूपेश की सराहनीय पहल रही है। और अवनी लेखरा जो है अब राजस्थान की बेटियों की ब्रांड एम्बेसडर बनकर उन्हें सीख भी देंगी, सिखाएंगी भी, और महिला और बाल विकास महकमा जो है वो खासतौर पर महिलाओं और बेटियों के लिए काम करता है, तो उस महकमे के साथ जुड़कर और भी बेहतरीन काम करेंगी, जिससे कि राजस्थान की बेटियां और महिलाएं सीख ले सके अवनी लेखरा से। बिल्कुल ऐश्वर्य, क्योंकि गोल्ड जीता है और सबसे बड़ी बात है कि पैरालंपिक में, और ये एक वैसे ही लड़कियां कहीं ना कहीं मिसाल बनती नजर आती हैं जब इस तरह की चीजों में सामने आती है, लेकिन यहाँ हौसलों की बात थी और इन हौसलों पर जीत दर्ज की है अवनी ने। माना जाए कि इस बड़े फैसले के बाद ही सरकार ने जो फैसला लिया है, बहुत सारी बेटियां हैं जो इससे मोटिवेट होंगी। देखिए, इस तरीके के जो फैसले होते हैं ये त्वरित लेने में ही इनका सबसे ज्यादा फायदा इसलिए मिलता है कि जब तक कोई मांग करता उससे पहले ही बिना मांग किए ही सरकार ने तुरंत प्रभाव से, खासतौर पर मंत्री ममता भूपेश की सराहनीय पहल रही, तो तुरंत प्रभाव से इस तरीके से ये जो आदेश निकाले हैं ये वाकई में काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से कल जब राज्य सरकार ने उनको एक राशि जो एक खिलाड़ी को दी जाती है, जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान का मान बढ़ाया, वो ऑर्डर निकाले और दूसरे दिन अवनी लेखरा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ये निश्चित तौर पर प्रेरित करेंगे बेटियों को। और जो अभी बेटियां संघर्ष कर रही है खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहती है, अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहती हैं, वो भी सीख लेंगी कि यदि हम बेहतरीन करेंगे तो हम भी अवनी लेखरा बन सकते हैं, या अपने अपने क्षेत्र में हम सबसे बेहतरीन उम्दा प्रदर्शन के जरिए अपने राज्य का, परिवार का। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी जानकारी।